नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है। तो विद्यार्थियों, वे लेखक परिचय जो ये, तो इस पाठ के लेखक का नाम है मोहन राकेश, जन्म सन 1925, निधन सन 1972। मोहन राकेश का जन्म पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे। मोहन राकेश को साहित्य में बहुत रुचि थी। बचपन से ही वह पर्याप्त साहित्यिक वातावरण में प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया। बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। तो इनके प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। अषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाट्यकार है। तो विद्यार्थियों, विषय प्रवेश लगे थोड़ी प्रस्तावना जुइए। तो प्रस्तुत लेख में बड़ी आत्मीयता से लेखक ने वहाँ की प्राकृतिक शोभा और वहाँ के अपने अनुभवों के बारे में बताया है। तो विद्यार्थियों, पोतानु पाठ्य पुस्तक खोले, हवे पाठ 8 जुइए। कुछ जगह होती है जिसे आँख एक बार देखती है तो चाक उठती है। केटली केवी जगह हो छे के पहली वक्त जुइए तो आपने सारी लागे, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाते। लेके पछी एनो परिचय थाय त्यार पछी उदास थई जाय। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है, लेके गुलमर्ग एवी जगह नथी। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया, लेकिन हूँ जारे पहली वक्त गुलमर्ग गयो, तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस, तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया। लेकिन पहली वक्त गुलमर्ग जतो लेखक ने त्यो कई पण आकर्षक लाग्यू नतुं। त्यां फक्त एक ज खुल्लू सपाट मैदान अने देवदारना वृक्षोनो समूह हता। मगर बाद में महीनों वहां रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को ही उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उठते बादलों और
बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह, दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बन रह जाता है। लेकिन पछी केटलाक महीनाओं त्यां रह्या पछी लेखक ने गुलमर्ग प्रत्ये आत्मीयता बंधाई। तेमने लागवा मांड्यू के तेओ पण त्यांना सपाट मैदानोनो एक भाग छे। त्यांना प्राकृतिक दृश्यो तेमने पोतानामां समायेला लागवा मांड्या। लेखक कहे छे के गुलमर्गमां रह्या पछी ज्यारे व्यक्ति त्यांथी विदाय थाय छे त्यारे तेने पोते पोतानाथी विकूटो पड़तो होय एवुं लागे छे। गुलमर्ग में सपने बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल सतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कांपले फूट जाती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की दृष्टि होती है। बादलों के पोटिकोस के नीचे लोग बही फैलाए घास पर बैठते हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां सिटके है। सहसा प्रकाश से नहीं नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। आज चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाही जब तक बादल बरसेगा बही फैली रहेंगी। ऐसी ही कोमल विस्मृत और निडाल। लेकिन गुलमर्ग की प्रकृति, लेकिन गुलमर्ग में भरपूर हरियाली छे। नीचे लीलूछम घास छे, लाल लाल सतनी ऊपर पण हरियाली छे अने ऊंचा ऊंचा वृक्षों ने लीधे आकाश पण लीलूछम देखाय छे। हरियाळीनी वच्चे अवनवा रंगोना फूलो खूब सुंदर लागे छे। दरेक क्षणे एक नवो अनुभव थाय छे अने नवा रोमांचनुं सर्जन करे छे। लोको लीला घास पर बेसवानो आनंद ले छे। पर्यटको घोड़े सवारी नी मजा माणे छे। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जागेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टेंक जाएंगे। तो सांज थता थता गुलमर्ग में बर्फ बरसवानु शुरू थी जाए। घास ऊपर बैठेला भात भातना वस्त्रों पहरेला लोको उठीने चालवा मांडे छे। हरियाली धुम्मसथी घेराई जाए छे। मैदान ऊपर अंधारू सवाई जाए छे। धुम्मस में पगडंडियों पातरी पातरी बाहों जेवी देखाय छे। सवारे सूरज उगता ज आखू दृश्य बदलाई जाए छे। आकाश में वादळ वियरता नजरे पड़े छे। बकरा घेटाना टोळाथी पगडंडियों सवाई जाए छे। અને રાતની શાંતિ કોલાહલમાં બદલાઈ જાય છે।
गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़कियों में खड़ा था। दूर बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ पर पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में धीर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने ही था और मैं उसे बराबर का होकर अपनी खिड़कियों में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ। क्योंकि एक रात्रि लेखक होटल ने बारी पासे उभा था। दूर सामे थी एक वर्षादी घटा तेमना तरफ आवी रही थी। लेखक इच्छता हता कि ते घटा तेमनी पासे आवी ने तेमने लपेटी ले। हवा तूफानी हती अने वादरोनी गर्जना पण वीजळी साथे चमकी रही थी। लेखक वर्षादी घटनानो आनंद लेवा इच्छता हता, परंतु तूफान समी गयुं अने लेखकनी इच्छा अधूरी रही गई। तुझसे कमजोर नहीं हूँ, हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली काटती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं वहीं फैला कर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था, लेकिन तेवो तेमना ऊपर लेवा माटे तैयार कर जे बिजलियों पड़ती थी बिजली ना जो चमकारा थता था ये चमकाराओं ने लेखक के हुए ने लेवा माटे वो तैयार हतो। मगर अचानक हवा रुकी गई। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया है, लेकिन अचानक हवा थंबी गई अने जे तूफान हतू ये वही तही फैलाई गई और दूर ही दूर कटे पक्षी की तरह हम तोड़ने लगा। लेकिन दूर सुधी मुझे जोतो रहो। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। लेकिन जैम बिजली ना श्वास थंबी गए तो मारो पन थंबी गए, लेकिन वो पर ऊंची हवा मोती आसमान नीचे आ भी गए हो तो तूफान का जोम उतर गया और उससे साथ ही मेरा भी लेके वावाजोड़ा नु जो तूफान हतु यो पन जो जोश हतो ये उतरी गयो ने मारो पन उतरी गयो। मैं उससे बराबर का कभी नहीं हो सका। हूँ इनी बराबरी में क्यारे पन आवी सक्यो नहीं। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं, लेकिन ये एवी क्षण होते कि जीवन में बे बार को तो एक बार ज आवे छे। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप से अवश्य आती होगी। लेकिन त्या काश्मीर में रहता है एक एवी क्षण में जीवन में क्यारेक ने क्यारेक आती रहे से। तभी तो मुदत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खांच कर वहाँ ले जाता है। इटली त्याती तेनो आकर्षण व्यक्ति ने त्या सुधी खेची ने लई जाए, वरना वहाँ है क्या, लेकिन परंतु त्या शू से एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती थी। लेकिन त्या से शू फक्त ने फक्त एक सपाट मैदान अने त्यो गोल्फ रमवा माटे लोको आता हता।
व्यक्ति के बार बार वहाँ जाना चाहता है, लेकिन व्यक्ति शाटे तो वारंवा जवा माटे इच्छे से। क्या गोल्फ खेलने के लिए, लेकिन शू फक्त गोल्फ रमवा माटे त्या जव पड़े?